कोई भी एक विषय पे निबंध आपको कंप्लीट करना है, मेरा विद्यालय आप लिख सकते हो, या फिर पुस्तकालय पे भी लिख सकते हो जो मैं कंप्लीट करवा दूंगी। अगर आप स्कूल में आपको छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए, तो प्रार्थना पत्र स्कूल में लिखना है, ठीक है। और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी विषय पर आप एक स्टोरी लिख सकते हैं, कौवा चला, मोर बनने और दो दोस्त भी लिख सकते हो, ठीक है। दो दोस्त, कौवा चला, मोर बनने, ये नहीं कंप्लीट है तो मैं करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर सुंदर अक्षरों में उन्हें पुनः लिखना है, सुंदर सुंदर अक्षरों में उन्हें वापिस लिखना है, छोटा सा पैराग्राफ है, हैंड राइटिंग के लिए है ये क्वेश्चंस। गद्यांश है, इन गद्यांश को पुनः सुंदर अक्षरों में लिखिए, समय में एक-एक पल बहुत मूल्यवान है और जो बीता हुआ पल है वो वापस लौट कर नहीं आता, इसलिए समय पर महत्व, समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। जो समय बीत चुका है, जो बीत गया है, उस पर वर्तमान समय बर्बाद न कर आगे की सुध लेनी ही बुद्धिमानी है। मतलब जो वर्तमान समय है, जो अभी चल रहा है, उसमें हमें बिना समय व्यर्थ किए, हमें उसको बिना बर्बाद किए उसकी सुध लेनी है। और नेक्स्ट स्लाइड में जो लास्ट क्वेश्चंस हैं वो है चित्र वर्णन। यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं, रेलवे स्टेशन है, ठीक है। और चित्र का वर्णन अपने शब्दों में करना है, वर्तमान काल में। इसको वर्तमान काल में हम कैसे लिखेंगे, इसका भी मैंने बताया था, वर्तमान काल में कैसे लिखेंगे। जैसे ये चित्र वर्णन है, और ये चित्र कहाँ का है, चित्र है ये एक रेलवे स्टेशन पे है, जहाँ पे रेलवे का पूरा दृश्य है, रेलवे का पूरा दृश्य पूरा दिखाई दे रहा है, ये रेलवे है, ठीक है। रेलवे स्टेशन का दृश्य है, प्लेटफॉर्म में रेलगाड़ी भी खड़ी है, तो इस चित्र का वर्णन हम कुछ इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। यह चित्र रेलवे स्टेशन का है, जो कि रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म का है, जहाँ पे रेलगाड़ियाँ, इस चित्र में रेलगाड़ियाँ खड़ी है ना। यहाँ पे एक पुस्तक भंडार भी है, पुस्तक की दुकान भी है, एक मूंगफली बेचने वाला मूंगफली बेच रहा है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, टिकट घर के पास बहुत सारे भीड़ लगे हुए हैं और लोग एक-एक करके टिकट खरीद रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ अखबार या फिर किताबें पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये चित्र बहुत ही खूबसूरत है ना। बस हम इसका समाप्ति करते हैं, इतना ही करके हमें कंप्लीट करना है चित्र वर्णन। 5 से 8 वाक्य आप लिख सकते हो, चित्र को देखकर अपने शब्दों से वर्णन करना है, अपने शब्दों का वर्णन करना है, ठीक है। बस इतना ही कंप्लीट करना है।